हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके सामने जो हिस्ट्री की बुक्स बची हुई थी, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से नहीं हो पाई थी पूरी क्लास, तो पूरी करके मैं आज आपको अपलोड कर दूंगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात को किए हुए। फर्स्ट वन लिखा है कबीर दास। ठीक है, कबीर दास की कौन सी बुक है? ये तो बड़ी ही फेमस है। मैम आप हिंदी की पढ़ा रहे हो, ऐसा होगा सबके माइंड में। बेटा ये हिंदी की बुक तो भले ही है, लेकिन आपके पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस चीज को रीजनिंग में दे देता है। अगर आप एसटी दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये चीज भी पता होगी। चलो, कबीर दास की कौन कौन सी पुस्तक है? बीजक, रमैनी, सबद। याद कैसे रखोगे? जो गरीब होते हैं, ठीक है, कबीर से याद रखो, गरीब, जो गरीब होते हैं वो बीज को खा कर ही या मौन रह कर ही सब कुछ सह लेते हैं। बीज को, बीजक, सब कुछ खा कर, सबद, ठीक है, नहीं, सब मौन रहकर, मौन से हो गया रमैनी और सब कुछ खा कर से सबद। कौन? गरीब लोग। कबीर दास की पुस्तक है। अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। देखो, अल बरूनी जिसके, ऐसे याद रखो, जिसके बाल नहीं है। क्या नहीं है? बाल नहीं है। वो नहीं भाई, गलत हो जाएगा। कैसे याद रखो? अल बरूनी है। अब देखो, रोना नहीं है, रोना नहीं है जब कोई बुलबुल हिंद, हिंद यानी कि शहीद हो जाए। रोना नहीं है, रोने से बल गया, रूनी, अल बरूनी, जब कोई बुलबुल बुलबुल हिंद हो जाए। बुलबुल से किताबुल, हिंद से हिंद, किताबुल हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर की है चित्रा, चित्रागदा, गीतांजलि और विसर्जन। तो बहुत ही बिंदास से याद करो, रविंद्रनाथ जी का जो चित्र है और जो गीत है वो विसर्जन के लायक है। विसर्जन हम किस चीज का करते हैं? किसी जो हमारी सबसे अच्छी चीज होती है, अगर उसका विसर्जन कर जाना पड़ता है तो हमें बहुत ही तकलीफ होती है। तो उनके जो चित्र थे, उनके जो गीत थे, हर कोई गीत अपनी लाइफ में कुछ बहुत तो गाता ही है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? किसके रचयिता हैं ये? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो चरित्र था, जो गीत था, वो विसर्जन के लायक था, क्योंकि वो हमें विसर्जित करने में उसको दुख होता। याद कर लो, गलत सेंस में मत ले जाना, सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। इनकी पुस्तक है भारत भारतीय। तो कैसे याद रखोगे कि मैथिली शरण गुप्त की जो पुस्तक है वो है भारत भारतीय? कैसे याद रखोगे? शरण लेनी है तो भारत आओ, और जब भारत आओगे तो आप क्या बन जाओगे? भारतीय बन जाओगे। शरण, मैथिली, शरण, भारत आओ, भारत, भारतीय बन जाओगे, भारत भारती। ओके, नेक्स्ट है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की जो बुक है डेथ ऑफ अ सिटी, कागज ते कैनवास। और इनकी एक पुस्तक और है जो कि बड़ी ही फेमस है, उस पुस्तक का नाम है 49 डेज। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? अमृत खा के डेथ नहीं होती है, ठीक है, जहर खाने से होती, बोलते नहीं अमृत है इसमें, डेथ नहीं होती है। कागज की तरह कोई तैरने नहीं लगता डेथ हो जाने के बाद, ठीक है, अमृत की तरह डेथ नहीं होती और कागज की तरह कोई तैरने नहीं लग जाता। और 14 डे नाइट, 40 दिनों की वो रात थी जब मैं ये सब सोच रहा था कि अमृत पीने से डेथ नहीं होती, कागज की तरह कोई तैरने नहीं लग जाता, तो कागज से कैनवास, और 40 डेज की वो नाइट थी, 40 डे नाइट। डॉक्टर एस राधा कृष्णन। देखो, राधा कृष्णन कहाँ मिलेंगे? इंडियन है तो इंडिया में मिलेंगे। और इनकी फिलॉसफी जो है ना, बड़ी ही अच्छी है। किसकी? राधा कृष्णन की। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे आपको इंडिया में, क्योंकि इंडियन है और इनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है।
नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की पुस्तक है इंटरनल इंडिया। इंदिरा जी जो थी वो तो भारत में ही थी, मतलब कहीं बाहर से तो नहीं आई थी ना, इंडिया की थी तो इंटरनल थी। लेकिन गांधी जी इंडिया आए थे, ठीक है, गांधी जी इंडिया आए थे, इंदिरा जी इंटरनल इंडिया की ही थी, गांधी जी इंडिया आए थे, इंदिरा गांधी की हो गई इंटरनल इंडिया। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी आंसू और लहर। शंकर जी माया में लीन रहते हैं, कामायनी आंसू निकलते नहीं है उनके, तो पर लहरें आ जाती हैं, लहरें उड़ जाती है जब उन्हें गुस्सा आता है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद माया में रहते हैं, कामायनी हो गया, आंसू नहीं निकलते आंसू, पर लहरें आ जाती हैं, लहर हो गया। अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल, कैसे याद रखोगे? सूर्य जो है वो कभी मिट नहीं सकता, ठीक है, ऐसे याद रख लो। सूर्य जो है उसको कोई मिटा नहीं सकता, या फिर क्यों नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसमें कोई मल नहीं है, परिमल है वो, तो कोई मिटा नहीं सकता से अनामिका याद रख लो सूर्य को, और परिमल से परिमल, ठीक है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, देवी कैसी होती है? देवी में माया होती है, कौन होती है? माया। माया का उल्टा कर दो यामा हो गया, महादेवी वर्मा की पुस्तक हो गई यामा। प्रेमचंद, जब हमें प्रेम होता है किसमें? माँ से, तो माँ की गोद में लेट जाते हैं, फिर उनके साथ वन में घूमने जाते हैं, फिर अपनी कर्म भूमि रंग भूमि को देखते हैं। किसकी गोद में? अपनी माँ की गोद में। क्यों? क्योंकि हमें उससे प्रेम होता है। तो प्रेमचंद की हो गई गोद में गोदान, फिर वन में से बनिया गबन, कर्म भूमि रंग भूमि। ओके नाउ नेक्स्ट वन अज्ञेय। जो अज्ञेय होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, वो कितनी नाव में कितनी बार बैठे हैं क्या उन्हें पता होगा? जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है तो क्या उन्हें पता होगा? बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो अज्ञेय की पुस्तक है कितनी नाव में कितनी बार। ओके नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की पुस्तक है गोल्डन थैंक्स होल्ड। सरोजनी जी जो है वो रोशनी से याद रख लो, रोशनी, रोशनी आती है किस कलर की? गोल्डन कलर की रोशनी आ रही है, जिसे हम थैंक्स बोल रहे हैं अपने हाथों को जोड़कर, तो थैंक्स होल्ड, ठीक, गोल्डन थैंक्स होल्ड। यशपाल, आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं बच्चा? आई होप दिख रहा होगा। यशपाल, अब देखो यस यस किससे कहते हो? आप अपने दादाजी से कहते हो, दादाजी को ना नहीं कह सकते हो, नहीं तो दादाजी आपकी कुटैया कर देंगे, ठीक है। तो दादाजी के सामने हमेशा यस यस कहते हो, यस 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 दादाजी। तो यशपाल की पुस्तक है दादा कामरेड। दादाजी कोई भी काम कहे आप उसमें यस ही कहोगे। सुमित्रा नंदन पंत, अब जब पंत है पंत से याद करो, पंत पल्लव, सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक का नाम है पल्लव। नेक्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी एंड अकबर नामा। तो जब आप फजल से याद रखो फल, फल खाते हो तो क्या करते हो? क्या उसको आईने में देखते हो? नहीं, डायरेक्ट खा जाते हो, और उसका नाम आपको पूछने से कोई मतलब ही नहीं होता, क्या है क्या नहीं, बस खाने से मतलब है। तो आईने अकबरी एंड अकबरनामा। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। देखो धारे कहाँ चलती हैं? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। धारदार तलवार कहाँ निकलती है? युद्ध के क्षेत्र में। तो धारी से बढ़ गया कुरुक्षेत्र, और उसके साथ याद रख लो उर्वशी। नेक्स्ट है आर के नारायण। नारायण 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 जी कहीं भी किसी वक्त पहुंच जाते थे, उनका कोई ना ठिकाना। एक दिन वो कहाँ पहुंच गए? डार्क रूम में पहुंच गए। नेक्स्ट डे वो कहाँ पहुंच गए? जहां पर मालगाड़ी में लोड किया जा रहा था वहां पहुंच गए। तो
तो मालगाड़ी में लोड किया जा रहा था मालगुड़ी डेज, और एक दिन डार्क रूम में पहुंच गया जहां बहुत ही अंधेरा कमरा था। पता नहीं उस कमरे में वो क्या ही देखने गए थे। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, देखो देसाई लास्ट वन, देखो देसाई, साई, साई जी का नेचर इतना क्योर था, यानी क्योर यानी कैसे, सिक्योर था, नेचर इतना सिक्योर था, याद रखने के सेंस से, नेचर नेचर सिक्योर नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, सिक्योरनेस के लिए, लाइफ सिक्योर करने के लिए हम लोग करते हैं, पर यहाँ पर जो साईं जी, उनका नेचर सिक्योर है, उन्हें कभी किसी चीज का घमंड हुआ ही नहीं, उनको पता था कि मेरे अंदर ये शक्ति, फिर भी उनका नेचर बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा था, ठीक है, नेचर सिक्योर था, नेचर क्योर, मोरारजी देसाई। देवकी नंदन खत्री, खत्री जी, देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है चंद्र कांता, और लास्ट पुस्तक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उसकी पुस्तक है देवदास और चरित्रहीन। तो ये आपका बुक जो हिस्ट्री की थी वो भी खत्म हो गई है। अब कोशिश करूंगी मैं कल आपका जो स्टेट कैपिटल एंड गवर्नर एंड सीएम है उसे कंप्लीट करने की, या फिर मैं जो मुख्यालय है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। तो क्योंकि मुख्यालय मोस्टली एक क्वेश्चन तो आता ही है उससे, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, फिर अपॉइंटमेंट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इस तरह से सारा चीज हम लोग लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।